महल के हथियार वाले सेक्शन में हमको दिखा ये कवच। अब ये तो हमें देखते ही पता चल गया था कि राजा साहब इसको तब पहनते थे जब उन्हें शिकार पे जाना होता था। पर मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि ये छोटा हाथ राजा साहब किस लिए काम में लेते थे? ये राज भी उसी के साथ चला गया। फिर इस महल में दिखी हमको बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज, वो थी ये लिफ्ट। महल में लिफ्ट, ये किस काम की यार? पर हाँ, बीकानेर के इस महल में एक लिफ्ट भी लगी हुई थी उस टाइम पे, और लिफ्ट भी ऐसी वैसी नहीं, लिफ्ट भी इतनी बड़ी थी कि राजा साहब घोड़े के साथ ही बैठ के फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते थे। महल के दूसरे हिस्से में हमको दिखा ये फाइटर प्लेन जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम का था, और वहां के एक गाइड से सुना कि ऐसे अभी सिर्फ दो ही प्लेन अवेलेबल है और दूसरा प्लेन अभी लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है। और इनको देखो टच कर करके फील ले रहे प्लेन का, अकेले अकेले नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए, अभी करूंगा टच। ये क्या लिखा है, डू नॉट टच। फिर हमको दिखी इतनी लंबी बंदूक। अब ये बंदूक इतनी लंबी है कि इसकी गोली से पहले इसका मुंह पहुंच जाता है, और इस बंदूक को वास्तव में आपको चलाने के लिए दूसरों के कंधे की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा इस महल का सफर हो गया खत्म, और मैं चुन्नीलाल का शरबत पीता हूं। तब तक आप इस मिनी ब्लॉग को कर दो लाइक, और मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में।